पढ़ते हैं। प्रदेश में 27 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छात्र नेताओं ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर सूर्यनगरी में भी स्टूडेंट लीडर्स का मूवमेंट तेज हो गया है। JNVU ओल्ड कैंपस हो या फिर न्यू कैंपस हो या फिर KN कॉलेज, सभी जगह छात्र नेता विद्यार्थियों को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी दिखाई दिए हैं। खुद DCP प्रीति चंद्रा और धर्मेंद्र सिंह सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने चुनावी माहौल को लेकर छात्र नेताओं से खास बातचीत की। 27 अगस्त को होने वाले छात्र चुनाव को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी सरगर्मियां तेज हो गई है। ओल्ड कैंपस की बात करें, जो कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र रहता है जहाँ छुटपुट गतिविधियां होती है, वहाँ पुलिस ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता भंग नहीं करने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो गया है। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो हर किसी की गाड़ी को पहली बात तो एंट्री नहीं है, अगर है तो कंफर्म करके, ये नेत्रहीन विद्यार्थी हैं तो कंफर्म करके उनको जाने दिया जा रहा है। और कुछ जो विद्यार्थी हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी गाड़ियां बाहर रखा दी गई है। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि नियमों की पालना के तहत जो है चुनाव संपन्न कराएं। लेकिन साथ ही बात करें छात्र नेताओं की, 5 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने लिंगदो कमेटी की जो है सिफारिशों का जो उस आधार पर नहीं चले हैं।